तो दोस्तों आज बनाएंगे मसाला गोभी। एकदम सिंपल सा इंग्रेडिएंट्स देखें तो देखिए, पहले गोभी को ऐसे काट लीजिएगा, गोभी को बीच से मत काटिएगा, ये एकदम गोटा गोटा ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं मसाला में क्या क्या है। तो देख सकते हैं पीसा मसाला में है, इसको पीसेंगे हम। टमाटर है, यहाँ पे है प्याज, यहाँ पे है हरी मिर्च और यह है अदरक। तो इसको हम काट के पीस लेंगे। चलिए पहले काट लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे रफली इसको चॉप कर लिया है मैंने, और इसको अभी डालेंगे जो हमारा ये मशीन है इसमें डालेंगे। इसमें एकदम बारीक चॉप हो जाता है, तो ये बिना झंझट का मशीन है। आप लोगों के पास उम्मीद करता हूँ है ऐसा कुछ, तो इसी से ही, इस जुगाड़ से ही आप लोग इसको चॉप कीजिए। तो मैं इसको चॉप करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए अभी इसमें डाल देंगे एक एक करके, इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसिएगा। तो पहले थोड़ा सा डाल देते हैं, ज़्यादा देने से इसमें दिक्कत आता है। तो इसको ऐसे घुमाते ही रहिएगा, घुमाते घुमाते ही ये खुद ब खुद एकदम चॉप बन जाएगा। तो मिलते हैं चॉप करने के बाद। तो दोस्तों हो गया है हम लोगों का चॉप, तो रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसको उतार देंगे। तो दोस्तों पहले इसमें डाल देंगे एक चम्मच धनिया और एक चम्मच जीरा का गुड़ा। तो अभी डाल देंगे इसमें कलर वाला मिर्च दो चम्मच, छोटा चम्मच का दो चम्मच, और डाल देंगे अभी हल्दी पाउडर छोटा चम्मच का एक चम्मच, और डाल देंगे यहाँ पे जो तीखा मिर्च है झाल वाला उसको डाल देंगे छोटा चम्मच का दो चम्मच। तो अभी इसको एक संग इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो मशीन जो है सबका घर में ही अवेलेबल है उम्मीद करता हूँ, तो नहीं रहेगा तो इसमें बहुत आसानी से काम हो जाता है। तो नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसको मिला के रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप जो है उसको हम दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे पानी, देंगे नमक, तीन चम्मच नमक डाल देंगे। आप लोग थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि नमक पानी के साथ ही निकल जाता है। डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा गर्म होने देंगे इसको। तो गोभी को मैंने पहले ही धो के रख चुका हूँ, तो अभी इसको हम छोड़ देंगे गोभी को इसमें अंदर, और इसको रख देंगे बॉइल्ड होने तक, 10 मिनट तक रख देंगे इसको बॉइल्ड होने तक। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो अभी इसको ढक देंगे। तो दोस्तों 5 से 6 मिनट तक देखेंगे इसको, देख लिए 5 से 6 मिनट के बाद इसको देखेंगे। तो 10 मिनट का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको फ्राई होगा। तो ये ऑलरेडी हो चुका है कुक, इसको अभी निकाल लेंगे, पानी को निकाल देंगे। तो चलिए पानी को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों पानी को निकाल दिया, गोभी को ठंडा कर लिए, अभी इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई डाल दिया, इसमें कढ़ाई में डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल, ऑयल को चारों तरफ फैला देंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, डाल देंगे गोभी को। और इसको फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों इसके बीचों बीच थोड़ा सा नमक इसमें मिलाएंगे। और इसको फ्राई कर लेंगे, देखिए गोभी में काला रहना स्टार्ट कर दिया, देखिए कितना सुनहरा कलर लग रहा है इसका।
दोस्तों देखते देखते गोभी फ्राई हो चुका है, तो इसको हम उठा लेंगे। तो दोस्तों पूरा का पूरा गोभी को उठा लिए, कढ़ाई में जितना ऑयल था थोड़ा सा ऑयल इसमें मिलाएंगे, तो डाल देंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। तो दोस्तों अभी डाल देंगे गरम मसाला, इसमें इलायची और दालचीनी और इसमें तेज पत्ता, और डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। तो अभी हम लोगों का जो मसाला बना के रखा था वो मसाला को डाल देंगे पूरा का पूरा। और इसको जम के इसको फ्राई करेंगे, मतलब के भुनेंगे। जिसमें मसाला था उसका थोड़ा सा पानी इसमें हम मिला देंगे और धीमी आंच में इसको भूनते जाएंगे। और कुछ देर इसको भूनेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको भूनने से इसका जो मसाला में जो ऑयल है वो अपना आप खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, मतलब कि आपका मसाला रेडी हो चुका है। तो इसको भूनते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा पानी मिलाते जाइए और मसाला को भूनते जाइए ताकि मसाला का जो कच्चापन है वो एकदम हट जाए। तो दोस्तों अभी इसमें शक्कर मिलाएंगे छोटा चम्मच का, 1 चम्मच। थोड़ा सा डाल देंगे नमक, क्योंकि मसाला में नमक नहीं था इसलिए थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे और इसको भूनेंगे। देखिए ऊपर खुद ब खुद ऊपर तेल आना स्टार्ट कर दिया, मतलब के मसाला बन चुका है। तब भी हम 2 मिनट और इसको भूनेंगे, एरोमा बहुत अच्छा निकल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब्जी बना के बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको भूनते हैं और 2-3 मिनट तक। तो दोस्तों मसाला एकदम रेडी हो चुका है, एंड में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी मत रखिए क्योंकि गोभी थोड़ा ड्राई ड्राई बनेगा। 1 कप से 1.5 कप तक पानी इसमें ऐड कीजिए। तो इसको उबाल आने देंगे। तो ग्रेवी रेडी हो चुका है, तो इसमें अभी डाल देंगे हमारा गोभी और इसको मिला देंगे। तो दोस्तों इसको सावधानी से इधर उधर कीजिए, नहीं तो गोभी टूट सकता है क्योंकि ये बहुत नाजुक है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अभी प्लेटिंग की बारी है, तो प्लेटिंग के पहले मैं यहाँ पे कुछ और डालूँगा। तो यहाँ पे है गरम मसाला जिसमें हमको रख दिया था पानी में भिगो के, तो इसको ऊपर से छिड़क देंगे। आप लोग चाहे इसमें किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो चलिए यहाँ तक इसका वीडियो एंड करते हैं और इसको प्लेटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं, खाएंगे बाद में। तो आप लोग ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज चलते हैं, फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।